नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में टाइल्स इंडस्ट्री को लेकर। बिहार से जब झारखंड का बंटवारा हुआ तो यही कहा गया कि बिहार में क्या है, आलू बालू और लालू। लेकिन पिछले कुछ साल से देखें तो बिहार के साथ साथ देश की मीडिया में इन दिनों एक खबर खूब चल रही है, जिसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि बिहार में प्राकृतिक संसाधन की कमी नहीं है। हालांकि प्राकृतिक संसाधनों को निकालने के लिए कंपनियों के टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। ऐसे में अब कहा जाने लगा है कि बिहार में प्राकृतिक संसाधन है, और वह कहावत अब झुठलाने लगी है जिसमें इस बात का जिक्र किया जाता था कि आलू बालू और लालू ही है जो कि बिहार में सिर्फ है। बिहार में पिछले दिनों सोने की खान और पेट्रोलियम पदार्थ के साथ ही अब टाइल्स किले मिलने की बात कही जा रही है। बता दें कि बिहार के जमुई जिले में देश की सबसे बड़ी सोने की खदान होने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में पेट्रोलियम भंडारण का भी जिक्र किया जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो समस्तीपुर जिले के 308 किलोमीटर और बक्सर के 52.13 वर्ग क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ मिलने की बात कही जा रही है। अब बिहार सरकार ने भी इन स्थलों पर खुदाई के लिए स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय ने समस्तीपुर में तेल भंडारण होने का दावा किया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि आप समझ सकते हैं कि समस्तीपुर के साथ साथ बिहार में क्या हो सकता है। साथ ही बक्सर में भी इस तरह के पदार्थ मिलने की बात कही जा रही है। अब इधर बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती में उच्च गुणवत्ता का टाइल्स किले मिला है। इसकी उच्च गुणवत्ता का टाइल्स बनेगा, इसको लेकर खान एवं भूतत्व विभाग टाइल्स इंडस्ट्री बनाने पर जोर दे रहा है। इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग उद्योग विभाग से संपर्क स्थापित कर रहा है, ताकि जितनी जल्दी हो सके टाइल्स यूनिट को स्थापित किया जा सके। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर उद्योग विभाग से इसमें ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी तो खान एवं भूतत्व विभाग खुद से इसमें काम जो है आगे बढ़ाएगा, खुद ही अपने स्तर पर यूनिट लगा देगा। बिहार सरकार इस योजना पर काम कर रही है कि भागलपुर के इस इलाके के मिट्टी से कैसे टाइल्स बनाया जाए। कहा जा रहा है कि बिहार में उद्योग लग जाने के बाद से प्रदेश के खजाने में एक बड़ी राशि जमा होगी और आर्थिक तौर पे जो है बिहार समृद्ध हो सकेगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को इससे रोजगार भी मिलने वाला है। हालांकि सोने के भंडार और पेट्रोलियम पदार्थों के खनन से भी प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ रोजगार भी मिलने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि टाइल्स के निर्माण शुरू हो जाने से प्रदेश में टाइल्स के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि पीरपैंती में कोयले का भंडार है, यहाँ पर कोयला ग्रेड 12 कोटि का है और इसकी कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया है कि इस इलाके में 230 मिलियन टन कोयले का भंडार है, जिस जो कि मात्र 90 मीटर के बेस पर ही है। पीरपैंती में एक तरफ जहां कोयले की गुणवत्ता सबसे उच्च है, तो वहीं दूसरी तरफ टेक्सटाइल की भी गुणवत्ता सबसे बेहतरीन बताई जा रही है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अगर उद्योग विभाग इस क्षेत्र में रोजगार को लेकर इंडस्ट्री बनाना चाहता है तो ठीक, नहीं तो फिर खाद एवं भूतत्व विभाग इस क्षेत्र में आगे अपना काम करेगा। वो कहावत जिसकी हमने शुरुआत की थी कि आलू बालू और लालू के अलावा बिहार में क्या है, तो प्राकृतिक संसाधनों का अब एक बार फिर से बिहार में जुटान होने लगा है। क्योंकि इससे पहले जो है वो जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे वो सब झारखंड के हिस्से चले गए थे, लेकिन अब बिहार में जो है एक बार फिर से सोने की भंडारण, पेट्रोलियम के साथ अब जो है टेक्सटाइल क्ले मिलने की बात कही गई है। तो अब कहा जा रहा है कि बिहार आर्थिक समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है और रोजगार के मामले में भी यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये थे बिहार के प्रगति को लेकर खबरें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।